हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक बात हम बता देते हैं आप लोग को कि बहुत दिन से इंतज़ार जो था, आप लोगों ने सारे चीज़ तो पढ़ लिया होगा, नोटिफिकेशन क्या पढ़ा होगा। एक चीज़ हम समझा देते हैं, सारे चीज़ नोटिफिकेशन तो आपने को पढ़ लिया है, ठीक है, बीसीसी के बारे में कि बीसीसी 2023 का जो काउंसिलिंग है वो स्टार्ट है। क्या है? काउंसिलिंग। चलिए देखिए, समझिएगा बढ़िया से कि काउंसिलिंग जो है स्टार्ट है, ठीक है। एक बात यहाँ पे आती है कि सर स्टार्ट जो काउंसलिंग है तो टोटल जो सीट है, एक बात समझिएगा, टोटल जो सीट दिया गया है वो टोटल सीट में 50% जो है आपको बीसीसी के थ्रू भरा जाएगा। किसके थ्रू? बीसीसी के थ्रू। और 50 सीट जो है आपका नीट के थ्रू है। किसके थ्रू है? नीट का थ्रू। यानी आप लोग काउंसलिंग जो 29 तारीख से हो रहा है, 29 सितंबर से लेकर के स्टार्ट है आपका, तो 29 तारीख से कल से हो जाएगा। आज तो हो ही गया 29 तारीख, तो कल शाम 6 बजे से वेबसाइट सही रूप से चलेगा, ठीक है। तो बीसीसी का काउंसलिंग अगर आप 2023 में करा रहे हैं तो आपका जो एडमिशन होगा बीसीसी में मात्र 50 सीट पर होगा, क्योंकि 50 सीट जितना भी, जैसे मान लीजिए अगर 300 अगर सीट है बीएससी नर्सिंग का, किसका है बाबू? बीएससी नर्सिंग का, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग का 50 सीट है, तो इसमें से आपका जो है 150 सीट अगर देखा जाए तो 150 सीट बीसीसी का, किसका है? बीसीसी का। और 150 सीट किसका है? नीट का। तो यानी 50% सीट पर आप लोग को एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट की अगर हम बात कर ले कि डॉक्यूमेंट जो है क्या क्या लगेगा, चलिए देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा समझ लीजिए बढ़िया से। डॉक्यूमेंट लगेगा आधार कार्ड, क्या लगेगा? आधार कार्ड लगेगा। चलिए डॉक्यूमेंट लगेगा आधार कार्ड, फोटो लगेगा आपका, 10th आपका 12th है तो 12th का मार्कशीट लगेगा आप लोग का, मार्कशीट लगेगा। फिर आपको जो है यहाँ पे आप देखिए एक बात समझिए, आप लोग जो फॉर्म भरे थे तो 2 रिसीविंग मिला था ना, ये जरूर रखिएगा, ये एडमिशन के समय काम देगा जी। पार्ट ए और पार्ट बी रिसीविंग, रैंक कार्ड, रैंक कार्ड, बीसीसी एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड, ठीक है। और एडमिशन के लिए आपको जो है सीएलसी रखना है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, ये आपका लगेगा, ठीक है। तो सारा चीज व्यवस्था कर लीजिए, कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट लगने वाला है नहीं, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।